हेलो गाइस, सो सबसे पहले हम यहाँ धुले हुए बालों में अच्छे से बालों में चंपी करेंगे और यानी बालों को मसाज देंगे अच्छी सी बहुत ही। और ये 10 से 15 मिनट के बीच में प्रोसेस होगा और आप लोग देख सकते हो कि एक एक मांग करके बालों में ऑयल लगाया जा रहा है। सो सबसे फर्स्ट नंबर है ऑयलिंग, जो कि इस तरीके से होगा, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है, हमें गीला टॉवल करना है गर्म पानी में। उस टॉवल को हमें अच्छे से अपने बालों पे लगाना है, जैसे कवर कर देना है। ये भी 10 से 15 मिनट के दो दो तीन तीन बार के राउंड में होगा। उसके बाद हमें बालों को धो लेना है अच्छे तरह से। उसके बाद हम होममेड कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप कोई सा भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये किस तरीके से बनाया है मैंने, वैसे मैं आपको बता दूँ। इसमें पतंजलि एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर और पानी से मिला के बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हो घर पर। उसके बाद हम पैक के लिए ले रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर और जो भी आपको अवेलेबल हो, दही अवेलेबल हो तो लगाना, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप इन दोनों से ही अच्छा सा एक पैक बना सकते हो। इस पैक को अपन अच्छे से बालों में लगाएंगे और थोड़ी देर से इस तरीके से इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, उन्हें भी पूरा सा अच्छे मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद एक एक लेयर लेके बालों में इस तरीके से अच्छे से लगाएंगे और ये हो गया हमारा हेयर स्पा कंप्लीट। उसके बाद हम जब तक ये हो रहा है तब तक आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही नेचुरल है, आप घर पे यूज कर सकती हो आसानी से। और इसके ये बहुत ही नेचुरल, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कर लिया करें, इससे आप फर्क अपने आप महसूस करोगे। हम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद यूज़ करके आप लोग खुद समझदार हो कि किस तरीके से ये फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद इस पैक को हमें धो लेना है अच्छे से और आप लोग देख सकते हो इसे हेयर ड्रायर से मैं सुखा के बालों को अच्छे से, और फिर आप लोग फर्क देख सकते हो, बालों में अंदर देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो।